अगली खबर है इंदौर से, जहां 1.5 साल का बच्चा बड़े भाई के साथ खेलते हुए पहली मंजिल की बालकनी से झांकने के दौरान नीचे गिर गया। इस दौरान बच्चे की मां किचन में खाना बना रही थी। वहीं 3 साल का बड़ा भाई घबरा कर रोने लगा। यहां सड़क पर खेल रही पड़ोस में रहने वाली बच्ची ने उसे उठाया। उसने ही बच्चे की माँ को घटना की जानकारी दी। बच्चे को MY में भर्ती कराया गया। सोमवार देर रात मौत हो गई। शिवधाम कॉलोनी में रहने वाले 1.5 साल के शशांक सूर्यवंशी की पहली मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पिता ने बताया कि शशांक अपने 3 साल के भाई लक्ष्य के साथ बाहर के कमरे में खेल रहा था। बच्चे ने जिंदगी के लिए 18 घंटे से भी ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन हार गया। उधर परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही और इंजेक्शन का ओवरडोज देने का आरोप लगाया है। इसके चलते पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही करने की बात की है। कनाड़िया पुलिस के मुताबिक बच्चों की मां अंदर किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान शशांक खेलते हुए बालकनी की तरफ चला गया। यहां नीचे झांकने के दौरान वह गिर गया। नजदीक ही किराना दुकान संचालक की 12 साल की बेटी सड़क पर खेल रही थी। उसने शशांक को उठाया, तब बच्चा बेसुध था और उसके सिर से खून बह रहा था। बच्ची ने शशांक की मां को आवाज लगाई। इसके बाद शशांक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान सोमवार रात उसने दम तोड़ दिया। शोभा के मुताबिक वह मूल रूप से सागर के रहने वाले हैं। 4 माह पहले ही वह इंदौर में काम के सिलसिले में आए थे। यहां ससुराल के लोगों ने उन्हें किराए पर घर दिलाया था। परिवार के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि शशांक की सीटी स्कैन और बाकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। रात में उसे अचानक उल्टियां होने लगी। बाद में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद उसे होश ही नहीं आया। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन के ओवरडोज के चलते बच्चे की मौत हुई है। उसके होंठ पर 5 टांके आए थे। पुलिस के मुताबिक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इधर अस्पताल प्रबंधन का पक्ष अभी नहीं मिल सका है।